अभिनेत्री ऋचा चड्ढा जो शिवानी कश्यप के हाल ही में रिलीज हुए एकल गीत वोना भी फ्री में नजर आ रही हैं। उनका कहना है कि सोशल मीडिया से बचने की जरूरत नहीं है, यह एक वरदान है पर इसकी लत नहीं पड़नी चाहिए। बुधवार को इस गाने के जरिए संदेश देते हुए ऋचा ने कहा, सोशल मीडिया से बचने की जरूरत नहीं है, बस उसे एक हद में यूज करने की। सोशल मीडिया इज एक्चुअली अ ब्लेसिंग, क्योंकि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, मेरे बारे में कोई गलत खबर छपी है, मैं अपने हैंडल से ट्वीट करके या फेसबुक पे डाल के या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डाल के मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर सकती हूँ। तो यू नो इट्स अ ब्लेसिंग, वो बीच का मिडिल मैन कई बार निकाल देती है। ऋचा ने कहा कि ट्रोल्स उन्हें परेशान नहीं करते हैं, डील करने लायक ही नहीं, उनके बारे में बात क्या करनी, दे आर इनसिग्निफिकेंट, आई नेवर गिव देम एनी अटेंशन। इसके बाद जब ऋचा से पूछा गया कि अगर उन्हें कुछ के लिए सोशल मीडिया से दूर कर दिया जाए तो वो क्या करेंगी, इस पर उनका कहना था कि लोगों को खुद के लिए कुछ समय निकालना चाहिए। मुझे लगता है कुछ समय खुद को देना चाहिए, क्योंकि जब हम एज आर्टिस्ट जब हम साइलेंट होते हैं तो आइडियाज आते हैं। तो मैं कभी बाहर जाती हूँ तो फ़ोन ऑफ रहता है, दूसरे टाइम जोन में रहती हूँ तो भी फ़ायदा होता है, बोल देती हूँ अरे मैं तो सो गई थी। कुछ लिखना पढ़ना इस तरह का काम होता है तो आई डिसकनेक्ट फॉर अ वाइल, इट्स इम्पॉर्टेंट। किसी नए रोल की तैयारी से पहले, कुछ नया क्रिएट करने से पहले थोड़े टाइम शांत रहना चाहती हूँ। फुकरे रिटर्न्स में नजर आ चुके ऋचा को हम दास दे, लव सोनियो, कैबरे और घूम केटू जैसी फिल्मों में देखेंगे। Honest Report.